इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस और उसके इफ़ेक्ट। अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था करंट क्या होता है। करंट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था कि करंट फ्लो तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक गिवन टाइम में ट्रांसफ़र हो, तो वो कहलाता है आपका करंट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि करंट अपने आप तो फ्लो होगा नहीं, कोई ना कोई रीज़न तो चाहिए उसको फ्लो होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका विंड फ्लो होता है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है पोटेंशियल डिफरेंस, या हम बोल सकते हैं प्रेशर डिफरेंस। अगर प्रेशर डिफरेंस है तो विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब सेम थिंग आप कंडक्टर्स के लिए और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो होगा जब वहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस या कोई फोर्स लगे। आप सबने एक पेंसिल सेल देखा होगा, उस पर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और नेगेटिव टर्मिनल वो पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँचेंगे तभी एक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता रहेगा। अब ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये होता कैसे है, मान लीजिए आपको यहाँ दिख रहा है व्हेन देर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका एक कंडक्टर है, ये जो बनाए रखे हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। कि इलेक्ट्रॉन्स जब कोई भी बैटरी या ये जो कंडक्टर है ये किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रैंडम मोशन में घूमते रहेंगे। एक कंडक्टर में होता क्या है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, हल्का सा फोर्स मिलते ही वो शेल से तो बाहर आ सकते हैं मगर इस कंडक्टर से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो वो रैंडम मोशन में एक कंडक्टर के अंदर मूव करते रहेंगे, इस तरह से अगर आप देखो तो एक रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, और नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा इनका, जीरो। पर जैसे ही इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया या बैटरी लगाई, तो आप देख सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन लाइन में अलाइन हो गए और सब एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गए। ये चीज़ कहलाता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इनको फ्लो होने में कुछ टाइम भी लगेगा तो ये कहलाएगा आपका करंट। कन्वेंशनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसका रीजन ये है कि इनिशियली इट वाज बिलीव्ड दैट करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, बट बाद में पता लगा कि वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस कारण से डायरेक्शनल ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट टू ईच अदर। तो इस तरह से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल से बाहर आ गए हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते रहेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, दूसरे से टकराते रहेंगे और उसी जगह रहेंगे। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगाई, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो आगे पहुंच गए, इनकी जगह पे जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन है वो जगह ले लेंगे इनकी, और इस तरह से एक सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक बैटरी लगी है। बैटरी हटाते ही ये वाला ऊपर वाला जो आपका है रैंडम मोशन वाला, वो पोजीशन वापस आ जाएगी। तो ये होता है कि किस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स या करंट फ्लो नहीं होगा। ध्यान रखते कि चीज़ क्या है, यहाँ पे मैं नोट करके लिख दिया है, फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, वो है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कोई भी चार्ज हो जिस पे +1 कूलम चार्ज हो,
उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो कहलाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, कोई भी चार्ज रखा हुआ है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके आसपास, फॉर एग्जांपल ये एक नेगेटिव चार्ज रख दिया है तो इसके आसपास, ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसके आसपास एक एरिया होगा जहाँ पे उसका इफेक्ट होगा तो वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाऊं, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाऊं, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में जो वर्क डन हुआ, तो वर्क डन जो हुआ वो कहलाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये तो हुई डेफिनेशन, बट प्रैक्टिकली एक यूनिट चार्ज तो ट्रांसफर होता नहीं है, बहुत सारे चार्ज ट्रांसफर होते हैं। इस कारण से पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला बना वो बना V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर, जिसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये कोई क्वांटिटी है तो उसकी SI यूनिट भी होगी, वो SI यूनिट कैसे निकालें, तो SI यूनिट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। वर्क डन का SI यूनिट है जूल, चार्ज का है कूलम, तो जूल अपॉन कूलम इसको बोला जाता है वोल्ट, और इसको इंडिकेट करते हैं वी से। तो आपने पेंसिल सेल में देखा होगा 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, वो बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, कि वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा है, डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, आपको पहले ही बता चुका हूँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अपने डेफिनेशन बना सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर्ड, तो वर्क डन जूल 1 जूल, कितना चार्ज ट्रांसफर करेंगे 1 कूलम। अब इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनादर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ये बना डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा कि यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंदर ही मूव करें, हो सकता है हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर से अंदर ला रहे हों, तब क्या होगा, तब उसे पोटेंशियल डिफरेंस ना बोल के क्या बोल दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल ये आपका चार्ज है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लाना है, पॉइंट बी तक लाना है पॉइंट ए से, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसका डेफिनेशन क्या बना, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा जो पोटेंशियल डिफरेंस का था। यहाँ तक आया समझ, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम वो साइंटिस्ट था जिसने टेम्परेचर, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन दिया। आपने सबने देखा होगा अगर मैं 2 वोल्ट की बैटरी लगाऊँ तो कम करंट फ्लो होता है, 4 वोल्ट की बैटरी लगाऊं तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और अगर 10 वोल्ट की लगाऊं तो उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा। पर ये सब कब होगा, जब हम फिजिकल कंडीशन यानी आसपास के टेम्परेचर इन सब को चेंज ना करें। ये क्यों बोल रहा हूँ, इसे आपको आगे आगे अपने आप समझ में आएगा। तो पहला जिसने ये बताया था कि कुछ इस तरह का होता है वो था ओम। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. At a given temperature and physical conditions, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. Yani V is proportional to I. Jitna zyada potential difference badhaunga, utna zyada current badhega. Jitna kam potential difference, current utna hi kam. अब जैसा कि आपको क्लास 9th में पढ़ा रखा है,
प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के जब भी इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। यहाँ वो कांस्टेंट कहलाता है आपका रेजिस्टेंस, जिसकी एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस ऑफ एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, साइंटिस्ट के नाम पे है और ये उसका सिंबल है जिसको बोला जाता है ओमेगा। तो रेजिस्टेंस वो ऐसा कांस्टेंट है जो आया जब हम वी प्रोपोर्शनल टू आई को हटाए। अब जैसे कि ध्यान से वर्ड सुनिएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट है इसका मतलब ये हुआ कि आर ना तो वी पे डिपेंड करेगा ना आई पे डिपेंड करेगा, वो उन दोनों से इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर आप बोले कि फोर एक जगह पे फोर वोल्ट पोटेंशियल है, टू एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस होगा आपका टू। अब अगर हम वी को सिक्स कर दें तो आई भी करस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा मगर आर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आर जो है वो है आपका एक कॉन्स्टेंट जिसको नाम दिया गया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड से समझ में आ रहा है कि टेंडेंसी टू अपोज, किसी को रेजिस्ट करना, किसी चीज़ को फ्लो होने से रोकना। तो रेजिस्टेंस हर कंडक्टर, हर एलॉय, हर इंसुलेटर में रेजिस्टेंस होता है। हाँ, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मगर हर एक चीज़ में रेजिस्टेंस होता है और ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बल्ब लें, बल्ब में एक वायर लगा दिया गया है, उसमें करंट फ्लो हुआ। अब करंट जब फ्लो हो रहा है तो करंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी क्यों है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो फ्लो हुए जा रहा है, अगर वायर में रेजिस्टेंस नहीं है तो वो जितने एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ था उतने एनर्जी के साथ आगे बढ़ के चला जाएगा, मगर वायर में रेजिस्टेंस है तो उसे अपनी कुछ एनर्जी, आई रिपीट, कुछ एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। अब वो जो एनर्जी है उसको वो बल्ब या बल्ब का वायर या हम बोल सकते हैं फिलामेंट उसे हीट एंड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, इस कारण से बल्ब ग्लो करता है। तो फिर से बोलूँगा, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे किसी भी मेटल या किसी भी वायर से तो रेजिस्टेंस के कारण उसे अपनी कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। एनर्जी लूज होगी, इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं होंगे। अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हुए हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन्स पूरे पास हो जाएंगे, बस उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो वो एनर्जी किसको मिली? उस बल्ब के फिलामेंट या उसके वायर को। उसने क्या किया? उससे हीट जनरेट किया और किसमें प्रोड्यूस कन्वर्ट कर दिया? उसे लाइट एनर्जी में। तो बल्ब जो है वो आपका ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है रेजिस्टेंस। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू द कंडक्टर, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हर वायर में होता है, फिर चाहे वो कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स को पास होने नहीं देगा। अब ऐसा अज्यूम कीजिए कि एक गेट है घर में, अगर गेट बड़ा है तो आप सब फैमिली मेम्बर एक साथ निकल सकते हैं आसानी से, बट अगर गेट छोटा है तो सारे के सारे एक साथ नहीं निकल पाएंगे। तो गेट क्या कर रहा है? आपको रेजिस्ट कर रहा है, आपको आसानी से उसमें पास होने नहीं दे रहा है। सेम केस है आपके रेजिस्टेंस और वायर में। एक वायर का रेजिस्टेंस कम है तो आसानी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, जितने ज़्यादा पास होंगे उतनी एनर्जी मिल जाएगी, और जितना कम रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है उतने कम इलेक्ट्रॉन से नाक के बराबर करंट फ्लो होगा। तो इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस कारण से उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पास नहीं हो सकता है। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वी और आई के बीच में, वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, आई हो गया आपका करंट, तो अगर उनको प्लॉट करें तो क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपका जो ग्राफ हो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। आपको क्लास 9 में सिखाया था दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एरिया अंडर द कर्व, एक होता है आपका स्लोप। स्लोप निकालने के लिए मैंने समझाया था कि दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर दो। तो अगर यहाँ पे मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो स्लोप निकलेगा आपका वी डिवाइड बाई आई। तो V डिवाइड बाय I, अगर आप ओम्स लॉ देखें
तो यहां से v डिवाइड बाय i बनेगा r, यानी स्लोप ऑफ vi कर्व ऑलवेज इंडिकेट्स रेजिस्टेंस, ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। अगर इसको ड्रॉ करें इस तरह से और यहां r1 लिख दूं और यहां r2 लिख दूं, और क्वेश्चन ही पूछा जाए आपसे कि r1 बड़ा है या r2, तो आंसर होगा r1 इज ग्रेटर देन r2। रीजन, r1 का स्लोप ज्यादा है, r2 का स्लोप कम है, यानी एंगल, r1 का एंगल ज्यादा है, r2 का एंगल कम है, तो r1 विल हैव अ ग्रेटर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू r2। ये है आपका ओम्स लॉ। जैसा कि अपन ने बात की कि रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, देन देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। नाउ वी विल स्टडी देम। फर्स्ट ऑफ देम इज लेंथ ऑफ वायर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। एज यू कैन सी, ग्रेटर द लेंथ ऑफ द वायर ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। इट इज क्वाइट ऑब्वियस। अज्यूम कीजिए एक रोड है, काफ़ी लंबी रोड है, लेट अस अज्यूम 1 किलोमीटर का रोड है, और हर 10 मीटर में एक ब्रेकर होना चाहिए। तो एक 1 किलोमीटर के रोड पर जितने ब्रेकर होंगे और एक 500 मीटर के रोड पर जितने ब्रेकर होंगे, दोनों में डिफरेंस होगा। 1 किलोमीटर वाले रोड में ब्रेकर ज़्यादा होंगे, मीन्स वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा स्पीड के लिए। उसी तरह से करंट फ्लो करने के लिए जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है। सेकेंड फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स ग्रेटर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेसर विल बी द रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ अ वायर। लेट अस अज्यूम दिस पेन टू बी अ वायर। दिस पार्ट, दिस सर्कुलर पार्ट विल बी इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच द इलेक्ट्रिकल चार्जेज और द चार्ज पार्टिकल कैन पास। ग्रेटर द थिकनेस लेसर विल बी द रेजिस्टेंस, एंड लेसर द थिकनेस ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। ये क्वाइट ऑब्वियस है, जितना बड़ा दरवाज़ा होगा उतने ज़्यादा लोग पास हो पाएंगे, और जितना छोटा दरवाज़ा लोग उतने कम पास होंगे। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इन दोनों को कंबाइन करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन है, हटाना है, इक्वल टू लगाना है, तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक कॉन्स्टेंट। वो कॉन्स्टेंट कहलाता है रेजिस्टिविटी। ये सिंबल है आपका रो का, इस सिंबल को बोला जाता है रो, जो आपने क्लास 9th में डेंसिटी के लिए भी यूज़ किया था। ये एक चीज़ कहलाती है रेजिस्टिविटी। नाउ व्हाट बेसिकली इज रेजिस्टिविटी? इट इज जस्ट अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन साइज, साइज में लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों इंक्लूड होंगे, ऑफ अ स्पेसिफिक मटीरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक मटेरियल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। स्पेसिफिक मटेरियल इसलिए बोला क्योंकि इस इक्वेशन में रो एक कांस्टेंट है, तो ना तो वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ना लेंथ पे डिपेंड करेगा, और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। वो सिर्फ डिपेंड करेगा आपके मटेरियल पे, इसलिए इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ ऑफ अ स्पेसिफिक मटीरियल। अब इसकी SI यूनिट आप खुद निकाल सकते हैं। अगर रो का फॉर्मूला बनाना चाहें तो बनेगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर का होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा आपका ओम मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। एक और फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो है टेम्परेचर। और ये उसका फॉर्मूला है, जहाँ अल्फा होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड डेल्टा टी इज योर चेंज इन टेम्परेचर। ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि क्लास 10th के लेवल में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं।